मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप लोग कैसे हो? आई होप परफेक्ट ठीक ही होगा। तो कल मेरा ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि क्या बोलेगा, कंटेंट भी नहीं था, ऊपर से कल बहुत लेजी लग रहा था। सच में गाइस, रेगुलर डेली ब्लॉग डालना बहुत ही मुश्किल है। ट्राई तो कर रहे दीदी, लेकिन ट्राई कर रहे पता नहीं फिर भी आप लोग सपोर्ट करते रहना ऐसे ही। तो जितना आप लोग सपोर्ट करेगा उतना ही हमको भी अच्छा लगेगा ब्लॉग बनाने के लिए, रेगुलर डालने के लिए। तो आज एक्चुअली अभी मतलब मॉर्निंग को हम ब्लॉग करेगा सोचा था ना, ब्लॉग बनाएगा सोचा था। आज मॉर्निंग में क्या हो गया था कि घर में काफ़ी बहुत मेहमान आया था, तो ऐसे हो गया टाइम ही नहीं मिला ब्लॉगिंग करने के लिए। तो अभी शाम का 2:30 हो गया। 2:30 आज मेरा पापा का, मेरा अपना पिताजी का डेथ एनिवर्सरी है ना। तो मार्च 21, 2017 में मेरा पापा गुजर गया था, तो इसलिए आज हम लोग दीदी बहन लोग एक साथ में गैदरिंग होके वहाँ पे मनाएगा बोल के नहीं है, जस्ट कैंडल जला के पिताजी का आत्मा शांति के लिए कैंडल जला के आ जाएगा। तो घर में आप लोग मालूम ही है, दीदी का घर में कोई नहीं है, तो सिर्फ बच्चा लोग है। बच्चा लोग को बेटे देके हम दीदी जाएगा, फिर भी जल्दी आने के लिए कोशिश करेगा। अभी निकलेगा यहाँ से, आपका भैया का गाड़ी बहुत गंदा है, ऐसे घुमाते डेंजर है। चलो गाइस, वो यहाँ से निकलेगा और दीदी बहन का घर में गुजरेगा, तब ब्लॉगिंग कंटिन्यू करेगा। फाइनली मेरा सिस्टर का घर में पहुँच गया। तो अभी ये बेटा को ले जाएगा और ये मेरा सिस्टर स्कूटी से बाइक को, मेरा बाइक को बाहर रखे है, तो ये स्कूटी से जाएगा। अभी हम लोग तीनों, स्कूटी खराब नहीं है, अच्छा है, ये बोल रहे। देखो ये बेटी जो बोल रही है कि स्कूटी खराब है, खराब नहीं है। तो अभी यहाँ थोड़ा पानी पिलाओ दीदी को, पानी पिएगा, उसके बाद में थोड़ा रेस करके निकलेगा यहाँ से। वो भी बहन हंस रहे, देखो ये हंस रहे तो होगा गैस। अभी थोड़ा सा इसको दिखा लेगा, इतना प्यारा बच्चा हो। यो टोपी भी कैसे पहनाया मम्मा, टाइम नहीं है ना यहाँ को। थैंक यू पानी पिलाने के लिए, बच्चा भी बड़ा हो गया, पानी पिला रहा है। तो घर पे आ गया बहुत ही, ये देखो यहाँ पे पूरा पापा का समाधि में ये पूरा लकड़ी काट के रखा था, तो सुखा रहा था, तो ये लकड़ी को वहाँ पे साइड कर रहे। आपका दीदी पूरा गंदा हो गया, देखो पूरा आके काम करके यहाँ पे पूरा जमा कर रहे। चलो एक एक ला लो, बहुत थक गया आके दारे काम कर रहे। यहाँ बहुत थक गया, धीरे धीरे साफ सफाई करना पड़ेगा। माचिस कहाँ गया? सो सो कपड़ा समोसो, अच्छा समोसो लाती जरूर होगा, लाती जरूर करना मम्मी, लाती जरूर भाई जानो। सब सुस्ती लग रही है, बाइक को भेज रहे, लाती जरूर लेके आओ। बहुत थक गया आके दीदी, रेस ही नहीं, इधर पूरा काम कर रहा है, क्या ही बोलेगा, पूरा साफ सफाई करेगा। इजी होगा, इज लगा गंदा है पूनम, चल अलग स्कूल जाओ, पूरा दरिया दो, पूरा लगी बकलास, पूरा दरिया दो गंदा है।
चुनू पूरा गंदा करके रखे है ना, दिन भर तुम फसल खेलते हैं, पूरा साफ सफाई कर रहे बालों का उल्टा भुयालू पर लोग ना थोड़ा बोलो अंजन मम्मा से चलो पूरा आज पापा का डेट एनिवर्सरी में पूरा काम कर रहे आते ही ये बच्चा लोग को देखो ये लोग भी पूरा काम कर रहे हैं ना। अभी पिताजी का इसको मूस देगा, बेचारा इतना दुखी है, काफी दिन से सफाई भी नहीं किया ना, सब सफाई देखो ये है पापा का नाम तना रायो 2017-21 मार्च में एक्सपायर हो गया था, चला गया हम लोग को चोर के, अभी मज़ा से सो रहा है ये देखो बिन बाप का बच्चा कितना तकलीफ होता है ना। आप लोग भी कोई अपना एकदम मन पसंद अपना खोया होगा थोड़ा इमोशन हो गया है। ओ मेरा मम्मी सब सफाई कर रहे पूरा, हम देखो आपका दीदी जैसे आया था ऐसे ही है, कपड़ा भी चेक बैग भी ये है, बैग को भी खोला ही नहीं बेचारा। मेरा पिताजी भी एक माना जाना जाना माना इंसान था, हम लोग का यहाँ का आदमी को सबको कभी ना कभी दिन ये दुनिया सुंदर दुनिया को छोड़ के जाना पड़ता है। जितना भी बिल्डिंग बनाओ आरसीसी से बनाओ ताजमहल बनाओ ना, कभी ना कभी दिन छोड़ के जाना ही है। तो होगा दोस्तों पहले साफ सफाई कर लेगा उसके बाद में आपको अच्छा से मिलेगा। तो हम लोग पूरा साफ सफाई कर लिया पापा का पूरा सब, मतलब इतना तो नहीं सजाया, बाद में कैंडल जलाएगा, दीदी बहन पूरा एक साथ में गैदरिंग हो गया तो यहाँ में आग जलाया। पूरा वेदर भी पूरा क्लाउडी हो गया, बारिश एक दो तो आ रहा है, तो वो भाभी का घर इस साइड में है तो भाभी का घर में जाएगा हम थोड़ा बैठेगा, उसके बाद में कैंडल जला के बस निकल जाएगा। घर में भी आदमी नहीं है ना, मेरा घर में आप लोग मालूम ही है दीदी का घर में कोई नहीं होके तो निकल जाएगा अभी। तो दोस्तों काफ़ी रेस कर लिया, अभी इतना रात नहीं होने का पहले चला जाएगा, बारिश भी आ रहा है। ये मेरा मामी है, आप लोग नहीं देखा होगा, मामी से मिलो। हाय विद मामी। हाय। ये मेरा माँ है। हाय। ये आप लोग देखा ही होगा, ये भाई है। तो ये आग जला के उड़ते हैं, मेरा बाग को कैंडल जला के हम निकल जाएगा क्योंकि बारिश आ रहा है, घर में आदमी अकेला है। चलो बाइक को कैंडल कैंडल जला दिया ऐसे ही मेरा पिताजी ऐसे, मतलब दिल शांति होके उसका आत्मा जो बैठना है तो इसलिए उसका आत्मा शांति के लिए आज हम लोग आया है, सब आया है। अभी दीदी लोग भी बहन लोग भी अंदर में है, मेरा बाग को हम जला के हम निकल जाएगा दोस्तों, अभी निकल जाएगा। ठंड भी हो रहा है, पूरा बारिश आ रहा है। ये बच्चा हाय गाको बाय बाय। आपका दीदी घर पे पहुंच गया, काफी मतलब वहां से इतना बारिश आ रहा था ना, पूरा भिज के हम आया है तो जल्दी जल्दी आ गया हम भी घर में, बच्चा लोग सिर पे तो
तो आजकल तो क्या क्या होते रहते हैं ना, तो इसलिए डर से जल्दी जल्दी आ गया। तो आपको ओके वो बोल रहे कि हमको पहले ही से फोन देख रहा था। ओके तो आके ज्यादा मतलब काफी देरी रेस भी कर लिया। और यहाँ है डांस 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 करो चलो बा बा ओ माय गॉड क्या डांस स्टेप है ओ माय गॉड बा बा बहुत अच्छा है। और ताली बजाओ ओ नकुल कुल 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 सच में बहुत अच्छा डांस करते हैं ना कुकु। तो बच्चा लोग पूरा बैठा हुआ है। और आज मेरा पिताजी का डेथ एनिवर्सरी है तो नहीं मनाया, जस्ट जाके ऐसे उसका मतलब आत्मा शांति के लिए कैंडल जला के आया। तो क्या करे ना मतलब क्या बोल रहे हैं, इसलिए जब तक अपना जो माँ पिताजी है अब प्यार करना है तो मरने का बात में रिग्रेट नहीं होना है। तो इसलिए जितना हो अपना माँ पिताजी अपना रिलेटिव्स को प्यार प्यार करना है, क्योंकि लाइफ का तो कुछ गारंटी नहीं है, कब कहाँ क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा ना। तो इसलिए छोटा सा जिंदगी है, मिलजुल के बीतना है। माँ पिताजी को स्पेशली माँ पिताजी को आपको प्यार करना, ठीक है। तो अभी आज का ब्लॉग को यहाँ पे एंड करेगा दोस्तों। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है बोलने से कमेंट करना, और जो मेरा ब्लॉग पे नया है बोलने से सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर कर देना। तो आज का ब्लॉग को यहाँ एंड करेगा, काफ़ी थक गया। तो मिलते हैं कल और एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय करो।